वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जनसत्ता पर आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। कोरोना के कारण पूरा देश 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है। पहले ये मियाद 14 अप्रैल तक थी, लेकिन फिर इसे बढ़ा दिया गया। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है, क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन खुलवाएगा? कोरोना से जंग आखिर कब तक जीती जा सकेगी? आने वाले कितने समय में कोरोना को मात दी जा सकती है? इन सवालों के जवाब क्या हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ये स्पष्ट संकेत दिया है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर वीके पॉल, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया लॉकडाउन को ढील देने से संभवतः वायरस को फिर से जागृत होने और फैलने का अवसर मिलेगा। वायरस के प्रसार को लेकर उन्होंने कहा, अभूतपूर्व आर्थिक लागत और मुश्किल परिस्थितियों में किए गए लॉकडाउन से मिले लाभ को हम व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। हमें वायरस के संचरण को नियंत्रण में रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई नई समस्या सामने ना आए। जून और जुलाई हमारे संकल्प का परीक्षण करेंगे। डॉक्टर पॉल के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत का असली इम्तिहान जून जुलाई में होगा। उन्होंने बताया कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलना एक चरणबद्ध और बारीक मामला होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर पॉल एम्स में पीडियाट्रिक्स प्रोफेसर रह चुके हैं और कोविड-19 प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन में वे सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक है। इसी के साथ ही वे गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता वाले लॉकडाउन से संबंधित रणनीतिक मुद्दों पर अधिकार प्राप्त समूह के सदस्य भी हैं। डॉक्टर पॉल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि आने वाले समय में देश एक स्वदेशी टीका विकसित करने का भी प्रयास करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत वैक्सीन बनाने के लिए ग्लोबल सेंटर बनने का मौका बिल्कुल नहीं खोएगा। कोरोना पर बनी रिपोर्ट्स को देखा जाए तो पता चलता है कि जितना ज्यादा लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, उतनी रफ्तार से ही ये फैला है। करीब 25 लाख लोग अभी तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। भारत में जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे में कोरोना को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बेहद जरूरी है। बहरहाल हम भी आपसे यही कहेंगे कि कोरोना को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना ही होगा। इसलिए घर पर रहें, सेफ रहें। रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने, सुनने और जानने के लिए बने रहें।